A computer operator posted an LDA reportedly committed suicide in Lucknow on Tuesday, following harassment by the LDA VC. Late Santosh Jaiswal's wife had accused the LDA VC Indramani Tripathi of abetting suicide of her husband by mentally harassing him for past several days. Here's a detailed report from Hornbill TV's UP bureau chief Akash Divedi. सर मैं 2001 से हूँ सर हेमचंद तिवारी सर 2001 से कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ सर मैं और वो भी पहले मैं हम लोग सोचे मैं संविदा पे हूँ बाद में चला हम लोग आउटसोर्सिंग पे हैं तो सर हम लोग इतने सालों से तेईस साल से काम कर रहे हैं अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अब हो रहा है इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने अभी इन्होंने नया फर्म लिया है जम पोर्टल के अंतर्गत हम लोग को जम पोर्टल के अंतर्गत इन्होंने किया है जब पोर्टल के अंतर्गत करने के बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों को रखने के लिए हम लोग को पुराने लोगों को हटाने का उन्होंने सिस्टम बना लिया है वो एक एक करके हर कर्मचारियों को हटा रहे हैं जबकि सबसे पहले शिव को हटाया उसके बाद हमको हटाया अब मिस्टर संतोष जी को नंबर लग गया संतोष जी को भी कल गाली वाली दे उन्होंने हटाया जिसके प्रभाव में आप खुद देख रहे हैं कि उन्होंने रात में सुसाइड कर लिया है हम लोग सत्तर एम्प्लाई हैं सत्तर एम्प्लाई हैं जो आउटसोर्सिंग के थ्रू पे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग वालों को नहीं हटाया जाएगा उनको ये होगा उनका उनको ये नहीं पता ये मेरे लखनऊ विकास प्राधिकरण में क्या हो रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण में इंद्रमणि त्रिपाठी जी अपना मनमाना कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है वो सभी ऑपरेटरों को धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं और वो जो है अपने आपरेटरों को रखना चाह रहे हैं हम लोग से ये कहना है किस जितने लोग हैं भाई लोग सबकी तरफ से यही कहना चाहता हूं कि हूँ त्रिपाठी जी को लखनऊ विकास प्राधिकरण से हटा दिया जाए और सभी के प्राणों को बचा लिया जाए वो किसी से बात नहीं करना चाहते कोई भी ऑपरेटर उनसे बात करना चाहते हैं तो कहते हैं अपने पीए को जो कि पीए रिटायर हो चुके हैं मिस्टर अतुल कपूर जी उनको पर्सनल अपने पास रखे हुए हैं जबकि वो रिटायरमेंट हो चुके हैं फिर भी वो अपने पास रखे हुए हैं क्योंकि उन्हीं द्वारा अपना काम वो सारा कराते हैं दूसरे को चोर बताते हैं खुद अपना काम सर वो कराते हैं और उसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर सर उल्टी दी हरकत को इल्जाम लगा लगा के हम लोग को धीरे धीरे हटा रहे हैं और मिलने के लिए बात करिए तो पी से कहला देते कोई ऑपरेटर मिलने नहीं आएगा सर हमें हटाए हुए हो गया करीब एक महीना सुबह से यही करती रह रही हूँ एक तो मेरे ऊपर आ बीती है ऊपर से आप लोग ये सब कुछ करना धरना है नहीं बस ये लिया, और ये लिया। क्या किया है अभी ने मेरा नाम मालती है मैं संतोष की बीबी हूँ और मेरे हस्बैंड जो है एल डी में ऑफिस में काम करते थे जो दस दिन से काफ़ी टॉर्चर थे वो तो मैंने उनसे काफ़ी बार बार पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि एक बी हैं इंद्रमढ़ी त्रिपाठी वो काफ़ी फर्स्टेज कर रहे हैं और दस दिन से वो परेशान कर रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा कल तो उन्होंने हद पार कर दी बीसी ने इंद्रमणि त्रिपाठी ने भगाया है कुत्ते के तरीके मेरे हस्बैंड को भगाया है कभी कहता निकाल देंगे कभी कहता कुछ कल तो उसने हद पार कर दी निकाल दिया और उसके बाद मेरे हस्बैंड टिफ़िन ले गए थे उन्होंने खाया भी नहीं टिफ़िन जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने बताया है कि इंद्रमणि त्रिपाठी का नाम बताया मुझे कि वो बहुत टॉर्चर कर रहा था उसी की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है और मेरे हस्बैंड अकेले थे जो मेरी सास है बूढ़ी अस्सी साल की है मेरे दो बच्चे हैं जो नाबालिग हैं मैं हाउस वाइफ हूँ अब मेरा घर कौन चलाएगा उसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है मैं इंसाफ चाहती हूँ बस हाँ पुलिस कंप्लेंट हो गई है अब क्या पुलिस एक्शन लेती है वो मुझे तो अभी नहीं पता बस आप ही लोग बस आप लोग का ही सारा है।, है आप लोग इंसाफ दिलाइए अभी इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं और मेरे दोनों बच्चे मेरी बूढ़ी सास अस्सी साल की जो है हम लोग सुसाइड खा ले कर लेंगे कुछ खा के मर जाऊंगी ठीक है क्योंकि अब मेरे पास कोई विलकप नहीं बचा है जिससे मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं क्योंकि मेरे आदमी ने तो सुसाइड कर ली है जो एलडीए की बीसी ने उनसे करा दिया है तो अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं सिर्फ एक रास्ता है इसी को मैं अपनाऊंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हमसे तो अभी तक कोई बात ही नहीं करिए उसने तो मेरे हस्बैंड को भगाया है बाकी उसने कोई नहीं बात किया मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी कि मैं चल के अगर कोई ऐसी बात ना बने तो मैं चलूँगी मैं बात कर लूँगी किसी से मेरे हसबैंड ने बोला नहीं मैं ठीक कर दूँगा ना जाने उसने क्या किया है जो मेरे हस्बैंड ने सुबह फांसी लगा के डेथ कर सुसाइड किया है राजधानी लखनऊ का लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी एक बार फिर से सवालों के कटघरे में सामने नजर आ रहे हैं यूं तो इंद्रमणि त्रिपाठी के ऊपर कई किस्म से पूर्व में भी आरोप लगते हुए चले आए उन आरोपों में जमीनों पर कब्जा करना कागजों में हेर फेर करने के साथ ही कई धांधली के साथ अपने नाम पर जमीने कर लेने का आरोप इंद्रमणि त्रिपाठी के ऊपर रहा तो लेकिन वही ताजा मामला आज इंद्रमणि त्रिपाठी पर यह लगा है क्योंकि एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है आत्महत्या कर ली है और उसकी पत्नी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि एल डी यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की गाली गलौज और नौकरी से जाने लेकर क्षुब्ध यानी आहत होकर इस व्यक्ति ने मौत को अपने गले लगा लिया है दरअसल संतोष जायसवाल के एक व्यक्ति ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर यहां तैनात था बताया जा रहा है कि सत्तर से ज्यादा की संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर यहां पर यहां ऑपरेटर्स नियुक्त थे जिनको यह बताया गया कि वो संविदा पर यहां पर नौकरी पर हैं लेकिन बाद में उन लोगों को मालूम पड़ा कि वो आउटसोर्सिंग पर यहां पर नौकरी पर हैं जिसके साथ ही दो लोगों को पहले यहां से नौकरी से निकाला गया जिसके बाद संतोष जायसवाल को भी नौकरी से निकाल दिया गया जिसके बाद संतोष कल कल देर शाम वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से मिलने के लिए उनके कार्यालय भी पहुंचे हुए थे जहां पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाते हुए यह बताया है कि वीसी ने काफी ज्यादा गाली गलौच करते हुए और उनको यानी संतोष जायसवाल को यहां से भगा दिया जिससे क्षुब्ध होकर संतोष जायसवाल ने मौत को गले लगा लिया है फिलहाल एक बार फिर से एल डी ए वी सी इंद्रमणि त्रिपाठी सवालों के कटघरे में पूरी तरीके से साफ नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर आउटसोर्सिंग के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने यह भी आरोप लगाया है कि वी के कोई जानने वाले हैं जो कि नोएडा में उनकी फर्म है और वहाँ के लोगों को नौकरी देने के लिए यहाँ पर पहले से तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों को नौकरी से निकाला जा रहा है फिलहाल संतोष तो मौत के आगोश में समा चुके हैं लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई क्या है इससे पर्दा कब उठेगा ये अपने आप में एक सवाल उभर कर लगातार सामने आया है लेकिन जिस तरीके से संतोष जायसवाल की पत्नी मालती लगातार आरोप लगा रही हैं और उनके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर नियुक्त यहाँ पर कई लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि एक एक करके सभी की नौकरी चली जाएगी और वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो ऐसी तरीके से उनकी रोजगार बनी रहे और आखिरकार इस आत्महत्या के पीछे की वजह क्या है इन सभी बातों पर पर्दा वक्त के साथ साफ हो जाएगा वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज के साथ आकाश द्विवेदी हॉनबिल टीवी लखनऊ